नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धीरेंद्र डबास द ट्रैवल देसी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त धीरेंद्र डबास। तो दोस्तों, पिछले वीडियो आपने देखे, आशा करता हूं कि पटाया के सारे पर्यटक स्थल आपको पसंद आए होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा टर्मिनल 21 और सेंट्रल पटाया, तो आप वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। उससे पहले हमने देखा वॉकिंग स्ट्रीट। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कोलार आइलैंड पे, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कोरल आइलैंड का टूर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूं कोरल आइलैंड के टूर पे और आपको दिखाऊंगा कि कोरल आइलैंड कैसा है। तो दोस्तों, एक बात और थी जो आपको बतानी थी कि कोरल आइलैंड पे जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक स्पीड बोट है, एक स्लो बोट है और तीसरा है स्टीमर। तो स्पीड बोट से जब जाते हैं तो उसका खर्चा आता है लगभग 500 से 700 बात, उसमें जो है लंच इंक्लूड होता है और पिक एंड ड्रॉप होता है होटल से। और दोस्तों, मैं जा रहा हूँ स्टीमर से, जिसकी वन वे टिकट होती है मात्र 30 रुपये, यानी कि 30 बात की। तो 60 बात में आप वहां पे इंजॉय करके वापस आ सकते हैं। यदि आपको वाटर स्पोर्ट्स करने हैं तो आप वहां पर वो भी कर सकते हैं। लगभग 2000 से 2200 बात में जो है वो पूरा पैकेज आ जाता है, जिसमें सी वॉकिंग होती है, पैराग्लाइडिंग होती है, स्कूटर होता है जो, और एक आध चीज और होती है, बनाना राइड होती है जैसे। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कोरल आइलैंड। चलिए, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चल पड़े हैं कोलार आइलैंड के टूर पर। और ये जो बड़ी शानदार गाड़ियां हैं ये खड़ी हुई हैं जिस होटल में मैं रुका हुआ था। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेते हुए। ये सामने था नोवा प्लेटिनम होटल, और वो सामने जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे भी और वहाँ पे जो सामने दिखाई दे रहा था, आप वहाँ पे जो है बुफे ले सकते हैं। यहाँ पर थालियाँ हैं, ये जो इंडियन टच रेस्टोरेंट है ये काफ़ी अच्छा है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था कि यहाँ पर खाना अच्छा है, ये सरदार जी का रेस्टोरेंट है। ये सामने था नोवा प्लेटिनम होटल, और अब हम जा रहे हैं कोलार आइलैंड के लिए फेरी पकड़ने। तो दोस्तों, अब इस गली से गुजरता हुआ मैं जो है वॉकिंग स्ट्रीट पे पहुंचूंगा, और वॉकिंग स्ट्रीट से मैं पटाया साइन की तरफ जाऊंगा, जहां से हमें फेरी मिलेगी। तो ये जो गली है दोस्तों, मोस्टली जो इंडियंस हैं जो पटाया जाते हैं वो इस गली को पहचानते हैं, क्योंकि ये जो है शॉर्टकट है वॉकिंग स्ट्रीट जाने का। और ये मेरे भाई साहब बड़े जो मेरे आगे आगे चल रहे हैं, और सुबह का समय है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा मौसम है, और अच्छे मौसम का आनंद उठाते हुए आज हम जा रहे हैं कोरल आइलैंड या कोलार आइलैंड। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हम कोलार आइलैंड या कोरल आइलैंड कैसे पहुंचे। तो दोस्तों, तीन जो है इसके रास्ते हैं। सबसे पहले में पैकेज हो जाता है पूरा 700 बात का लगभग, उसमें जो है लंच भी होता है और ले जाना और लाना भी होता है स्पीड बोट से, और होटल से पिक एंड ड्रॉप भी होता है। और दूसरा तरीका है खाली स्पीड बोट से जाना और आना, उसके जो है लगभग 200 बात लगते हैं। और तीसरा तरीका है फेरी से जाना, तो दोस्तों फेरी के जो है लगते हैं 30 बात। यदि आप जाना चाहते हैं हुआ हिल, ये एक और दूसरी जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यदि आप यहां से जाएंगे तो लगभग 500 किलोमीटर दूर है, और सी से जाएंगे तो फेरी से तो जल्दी पहुंचेंगे, यहां से उसकी टिकट मिलती है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया, यहां से पटाया से हुआ हिल जो है फेरी जाती है, और ये बहुत ही फेमस जगह है हुआ हिल। तो उसके लिए फेरी की जो टिकट है वो 1250 है, और 950 बच्चों की है, और जो बिजनेस क्लास है वो 1550 है, और बच्चों की उसमें बिजनेस क्लास में 1250 है। तो दोस्तों, ये है वो फेरी जो हमें कोरल आइलैंड यानी कि कोलार आइलैंड पे लेके जाएगी, और इसकी जो कॉस्ट आएगी वो हमें वो वन वे 30 बात, यानी कि 30 बात आने के और 30 बात जाने के, यानी कि हम 60 बात में कोलार घूम के वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने एक जो है स्पीड बोट यहाँ से जा रही थी, आपने देखा होगा। तो हम यदि जो है स्पीड बोट से जाना चाहें तो 200 बात में हम जो है कोलार आइलैंड
घूम के आ सकते हैं, उसमें जाना और आना दोनों इंक्लूड है। तो ये है वो फेरी जिससे हम जो है कोलार आइलैंड जा रहे हैं। इसमें नीचे भी सीटें हैं दोस्तों और ऊपर भी हैं, तो हम जाके बैठते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर से जो है आसपास का जो नज़ारा है वो काफ़ी अच्छा है। तो देखिए ये है फेरी दोस्तों। जो कोलार आइलैंड है वो इस पटाया शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है, यानी कि ये छोटा सा आइलैंड है इससे 7 किलोमीटर दूर। तो चलिए आपको घुमा के लाता हूँ कोरो आइलैंड, इसको कोलार्न भी बोला जाता है। यहाँ का जो अपना थाई नेम है वो कोलार्न है, और ये थोड़ी सी दूर है, आपको 20 मिनट में ही वहाँ पहुँच जाओगे, और काफ़ी अच्छा साफ सुथरा जो आइलैंड है। तो चलिए नज़ारे दिखाते हैं आपको कोरल आइलैंड के, और ये है नज़ारे पटाया के, तो दिखा दो भाई साहब पूरा। तो दोस्तों इस फेरी को वहाँ पहुँचने में लगभग 35 से 40 मिनट लगती हैं, और इसकी जो फिक्स टाइमिंग है उस टाइमिंग पे जो है ये यहाँ से चल पड़ती है। तो चलिए हम भी चल पड़े हैं सुंदर नज़ारों का आनंद उठाते हुए कोलार आइलैंड में। तो दोस्तों देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा पैरासेलिंग जो है। तो दोस्तों यदि आप जो है जैसे कोई भी हम टूर पैकेज लेके जाते हैं उसमें जो कोरल आइलैंड का टूर जो है कॉम्प्लीमेंट्री यदि देते हैं तो उसमें क्या क्या होता है भाई, जैसा कि आपके होटल से पिक एंड ड्रॉप और जो है स्पीड बोट से, उसमें जो है ना पटाया बीच जो है उसमें बीच लगभग 4 से 5 किलोमीटर का है, उसके जो है लगभग वॉकिंग स्पीड से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे जो है उनका एक जो है जगह बना रखी है जहाँ से वो जो स्पीड बोट है वो चलती है उन पैकेज वालों की दोस्तों। तो वे जो है इसी कोरल आइलैंड के जो है कोलार्न आइलैंड के एक बीच पे जो है वो उनको ले जाके छोड़ देते हैं दोस्तों। और बीच में यदि आप वाटर स्पोर्ट्स करना चाहें तो उसकी जो है कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा होगी। तो आप उनमें से कोई सिंगल एक्टिविटी भी कर सकते हैं और पूरा जो एक्टिविटीज़ का जो बंच है वो भी ले सकते हैं। तो यदि आप जो है पूरा बंच लेना चाहते हैं जिसमें इंक्लूड होता है जैसे सी जो है वॉकिंग होती है या स्कूबा डाइविंग होती है, पैरासेलिंग होती है, या फिर जो है बनाना राइड होती है, उसमें जो है जो वाटर स्कूटर होता है वो होता है, तो दोस्तों इसका लगभग जो है 1800 से 2200 बात के आसपास जो है इसका खर्चा आता है। तो लीजिए हम जो है आ पहुंचे हैं कोलार आइलैंड पे। तो दोस्तों इसके कई सारे बीच है कोलार आइलैंड के, तो हम जो है अब यहां से जो है कैसे घूमेंगे वो आगे मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो दोस्तों जब आप इस जो है पोर्ट से आप बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है टुक टुक मिलेंगी, जो स्कूटर टैक्सी होती है वो मिलेंगी, या आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं या आप यहाँ से स्कूटर भी रेंट कर सकते हैं। तो यदि आप जो है यहाँ से ना लेकर, ये थोड़ा सा कॉस्टली है जो शुरू में ही मिलते हैं आपको पोर्ट के बाद, तो आप इससे थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे, ये मंदिर के सामने जो है टुक टुक मिलती है, और ये जो जैसे कि सामने जो बोर्ड दिखाई दे रहा है इस पर लिखा हुआ है कौन कौन से यहाँ पर बीच है और किस किस बीच का जो है कितना कितना पैसा जो है आपको देना पड़ता है टुक टुक में वहां से पोर्ट से लेके उस बीच तक का। हम आए हैं समोए बीच पर, कोलार आइलैंड के समोए बीच पर। ये कौन से वाले पे लेके जाते हैं, तो काफी बड़ा आइलैंड है ये। तो दोस्तों यहां पर दो बीच जो है लगातार हैं, जो है एक के साथ दूसरा बीच लगा हुआ है, तो हम जो है इस बीच से होते हुए यहाँ पर आए हैं ऊपर, और यहीं से जंगल के रास्ते से अब हम जो है दूसरे बीच पर निकल जाएंगे। ये था समोए बीच, काफ़ी अच्छा था लेकिन जो है टूरिस्ट कम थे, तो हम जो है अब दूसरे बीच पे जा रहे हैं। तो इस समोए बीच तक आने के लिए हमसे लिए गए 20 बात प्रति व्यक्ति। तो दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं इस समोई बीच के बराबर में, एक जो है छोटी सी पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर जो है रास्ता बना हुआ है और यही रास्ता दूसरे बीच पर भी जाता है इस जंगल से होता हुआ। तो हम भी जो है काफ़ी अच्छा बीच था समोई, लेकिन वहां पर जो है टूरिस्ट कम थे तो इसलिए हम जो है दूसरा बीच देखने, तो अभी हम इसी रास्ते से यहाँ पर, और अब हम आ पहुंचे हैं सामे बीच पर। तो चलिए दिखाता हूँ आपको ये बीच कैसा है। तो दोस्तों हमें ये बीच काफी अच्छा लगा और यहाँ पर जो है टूरिस्ट भी अच्छे थे और जो है ये बीच भी काफी सुंदर था। तो चलिए देखते हैं इस बीच को।
तो दोस्तों यदि आप जो है कंपेयर करते हैं, मान लीजिए आप स्पीड बोट से आते हैं, लंच के साथ आते हैं, तो आपके लगते हैं लगभग 700 baht। और हमारे कितने लगे? हमारे लगे दोस्तों 30-30 baht हमने आने जाने के दिए। इस बीच पर आप ये काइकिंग कर सकते हैं, सी सर्फिंग कर सकते हैं। 20-40 baht हमने जो है यहाँ से जो है वापस जाने के पोर्ट तक के दिए, तो लगभग 100 baht हो गए दोस्तों। और हमने जो है यहाँ पर खाना खाया, हमने जो है चिकन फ्राइड राइस खाए, हमने जो है कोकोनट वाटर पिया। तो दोस्तों हमारा जो है पर हेड दोनों का, दो दोस्त थे हम, तो हमारा 200-200 baht जो है खर्चा आया। तो 200 और 100 जो है 300 baht का जो है टोटल खर्चा आया हमारा जो है कोलारन आइलैंड घूमने का। और हमने जो है यहाँ पर जो है इन बेड पर जो है कम से कम भी 1-1.5 घंटा जो है हमने यहाँ पर रेस्ट किया दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा था। उन्होंने एक बात और, ये जो है बेड के पैसे चार्ज करते हैं, 100 baht पर बेड जो है ये लेते हैं। और यदि आप जो है टोटल खर्चे में अगर जो है देखेंगे तो भी आप जो है पर हेड 300-350 baht जो है अपना बचा लेंगे और जो है इंजॉय पूरा मिलेगा। तो चलिए अब हम जो है इस बीच पर घूमकर अब वापस चल पड़े हैं दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा था मेरा जो है कोरल आइलैंड का जो है एक्सपीरियंस, क्योंकि दोस्तों मैं जब पिछली बार गया था तो मैं उसी स्पीड बोट से ही गया था और उस इसी जो है कोलारन आइलैंड के किसी ना किसी बीच पर जो है हमें लेके गए थे। तो इस बार जो है मैं उस बीच को ढूंढ नहीं पाया, तो लेकिन पिछली बार चूंकि मैंने देख रखा था तो अब की बार हमने इस बीच पर जो है इंजॉय किया। तो काफ़ी अच्छा है कोलारन आइलैंड दोस्तों, आपको ज़रूर घूम के आना चाहिए। और जो है आप यदि जो रास्ता मैंने बताया है उससे जाएंगे तो बहुत ही सस्ते में घूम के आएंगे कोलारन आइलैंड। तो दोस्तों जहाँ से मैंने टुकटुक पकड़ी थी उसके सामने ही ये जो है मंदिर है, काफ़ी सुंदर मंदिर है भगवान बुद्ध का, आप भी देखिए और आशीर्वाद लीजिए। लगभग 2-3 घंटे कोलारन आइलैंड पर बिताने के बाद अब हम वापस चल पड़े हैं दोस्तों अपने होटल की तरफ। तो इस वीडियो में इतना ही। ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है ये पार्क टावर है दोस्तों, ये भी जो है पटाया की उन फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है जहां पर टूरिस्ट जाते हैं। तो ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है पटाया की जो कि जोमटिन बीच पर है। इसमें भी जो है आपको 500 baht लगते हैं, ऊपर रेस्टोरेंट भी आप वहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं और एक रोप बंधी हुई है जिससे जो टूरिस्ट है वो जो है ऊपर नीचे जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ अच्छी जगह के साथ पटाया की। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।